गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट सेक्शन चैप्टर 12 में लास्ट एक्सरसाइज 12.3 को पढ़ेंगे। हम लोग 12.1 और 12.2 डिस्कस कर चुके हैं, आज हम लोग 12.3 का डिस्कशन करेंगे। 12.3 में हम लोगों को आमतौर पर जो बातें पढ़नी है, जो समझना है, वो मिक्स ऑफ फिगर है जिसमें शेडेड और अनशेडेड रीजन के बारे में जानना है। जो रीजन, जो क्षेत्र शेड है उसके बारे में पढ़ना है और उसका एरिया निकालना है, या क्वेश्चन के मुताबिक जो भी बात कहेगा वो करेंगे हम लोग। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो कहा गया है एक सर्किल है, इसमें एक डायमीटर है और इसका शेड रीजन ये वाला पोर्शन है। फाइंड एरिया ऑफ शेड रीजन, ये 7 है, ये 24 है। कहा गया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहले आपको इसमें वृत्त का व्यास निकालना होगा, क्योंकि ये सेंटर पास क्या है इसका हम जानते हैं। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है और अर्धवृत्त का कोण जब समकोण होता है तो आप कहेगा कि क्यू आर बराबर आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से ये 7 का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे। 749, 576, 625, 25 आ गया सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या, इसको रेडियस कहते हैं हम लोग, आ जाएगा 25/2। शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप देख रहे हैं ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त में से अगर हम लोग ट्रायंगल को घटा देंगे तो चला आएगा। तो क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr² त्रिभुज क्षेत्रफल हाफ बेस इंटू हाइट, आपको वैल्यू पुट करना है 22/7 आर स्क्वायर में 25/2 माइनस 1/2 7×24। कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको खुद करना है, यहां सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें और फिगर हमको दिया गया है। तो फिगर में 2 संकेंद्रीय वृत्त है, हमने बना दिया, और इसमें 2 त्रिज्या खींचा गया है जो त्रिज्याखंड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन ये बाहर वाला शेड अंदर वाला नहीं। तो आप क्या लिखिएगा? इसका मेजरमेंट मालूम है, किताब में मेजरमेंट दिया गया है। एक का मेजरमेंट है 14 और दूसरे का मेजरमेंट है, एक का मेजरमेंट 14 और दूसरे का मेजरमेंट 7 है, यानी छोटा वाला 7 और बड़ा वाला 14 लिखेंगे हम लोग। इस तरह से बड़ी त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर, छोटी त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 7 सेंटीमीटर छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको बताया गया कि ये क्या बन रहा है? त्रिज्या खंड। तो थीटा बाय 360 पाई और बड़े आर में से छोटा आर घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक स्क्वायर के अंदर 2 अर्धवृत्त है और एक स्क्वायर के अंदर एक वर्ग के अंदर 2 अर्धवृत्त बनने से जो स्क्वायर के अंदर 2 अर्धवृत्त बनने से जो पार्ट बचा रह गया उसको शेड कर दिया गया, छायांकित कर दिया गया, इसी का एरिया बताना है। तो वर्ग की भुजा कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर
इसलिए अर्ध वृत्त का परिमाप हो जाएगा हम लोगों का, अर्ध वृत्त का पहले गुण करेंगे व्यास जो होगा 14 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा हाफ 7 सेंटीमीटर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर और 2 × 2 अर्धवृत्त का होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे सॉल्व करेंगे चला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बचा कर रहा है 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर लिख दिया और आधा भुजा मान करके इस पर सर्किल खींचा गया है, यानी वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, यह हम लोगों का केंद्र है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, देख रहे हैं कि छायांकित भाग पूरा है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। जब वृत्त का क्षेत्रफल लिखे तो पूरा वृत्त आ जाएगा और ये पोर्शन वो है जो त्रिभुज में ऑलरेडी ले चुके हैं, शेष पोर्शन को घटाना पड़ेगा और ये पार्ट क्या है त्रिज्या खंड है, तो माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्म लिखेगा समबाहु त्रिभुज है √3/4 साइड स्क्वायर प्लस वृत्त है पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्या खंड है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 60 होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री होते हैं, पाई आपको पाई के साथ है और रेडियस आपका 6 होगा, त्रिभुज की भुजा 12 है, पुट करेंगे सॉल्व करेंगे चला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के चारों कॉर्नर पर 1-1 सेंटीमीटर त्रिज्या का 4 चतुर्थांश खींचा गया है, यहां से यहां तक 4 यानी रेडियस 4 हो गया, भुजा हम लोगों का 4, रेडियस हम लोगों का 1 हो गया, भुजा हम लोगों का 4 है वर्ग का और बीच का डायमीटर जो है वो 2 है, यानी इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा 1। तो कह रहा है जो पार्ट बच गया इसको रंग रहे हैं उसका हम लोगों को क्षेत्रफल बताना है, तो बाकायदे आप देख रहे हैं क्षेत्रफल कैसे निकलेगा कि वर्ग में से इन चारों और बीच वाले को घटा देंगे, डाटा लिख लेंगे वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर चतुर्थांश का की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास 2 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर, छायांकित भाग बराबर क्या लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, और बाकी आपको वर्ग होता है साइड स्क्वायर माइनस 4 × 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, आप आराम से भाई पुट कर दीजिएगा, साइड आपको 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 4 कर दिया पाई के बाद पाई के साथ आर स्क्वायर हम लोगों का 1 होगा, 1 × 1 सॉल्व करेंगे चला आएगा। क्वेश्चन जो हम लोग को आ गया है क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज है और वृत्त की त्रिज्या 32 दिया गया है, तो इसके आउटर साइड में जो डिजाइन बन रहा है उस डिजाइन का क्षेत्रफल बताना है, तो हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, हमको उसके लिए भुजा चाहिए
और भुजा कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला होता है समबाहु की भुजा, अगर समबाहु युग्मक के अंदर बनता है तो उसकी भुजा होती है रेडियस रूट थ्री, त्रिज्या गुणे रूट तीन, त्रिज्या कितना है 32, 32 गुणे रूट तीन डाल दिया। अब डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त में से हम लोग त्रिभुज को घटा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल मैंने समबाहु का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस रूट थ्री बाई फोर साइन स्क्वायर, आप यहाँ वैल्यू प्रूव कर लीजिएगा, 22 बटे 7 32 गुणे 32 माइनस रूट थ्री बाई फोर, उसके बाद 32 रूट तीन गुने 32 रूट तीन, और उसको सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर हम लोगों को आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 14 सेंटीमीटर साइन वाला एक वर्ग है, इसके अंदर जो शीर्ष है इस शीर्ष को केंद्र मानते हुए चार चतुर्थांश खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। वही मामला हो गया, बीच वाला पार्ट बचा रह गया, वर्ग की भुजा 14 गिवन है, बने चतुर्थांश की त्रिज्या कितना हो जाएगा, पूरा 14 था, बीच से खींचा है 7 सेंटीमीटर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूरे वर्ग में से चारों को घटा देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग हो गया साइन स्क्वायर 4 गुने 1/4 पाई आर स्क्वायर, 4 कैंसिल, 14 का स्क्वायर 22 बटे 7, 7 गुने 7 7 7 कैंसिल 194 घट के आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे सही तरीके से, फार्मूला बता दिया जा रहा है, अब उसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक रेसिंग ट्रैक है यानी दौड़ने का रास्ता, दौड़ने का पथ, इसकी लंबाई 106 मीटर है और जिस पोर्शन में दौड़ना है उस पोर्शन का चौड़ाई हम लोगों को 10 मीटर दिया गया है, इंटरनल जो डिस्टेंस है अंदरूनी डिस्टेंस दोनों के बीच का वो 60 मीटर है। तो अगर कोई इंसान यहां से दौड़ना शुरू करे और एक चक्कर लगाए तो एक चक्कर में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना होगा ये बताना है, और इसका एरिया कितना है रेसिंग ट्रैक का एरिया, इसके दोनों इंड जो है वो अर्धवृत्ताकार है, तो इधर का अर्धवृत्त दोनों को जोड़ेंगे तो एक सर्किल बन जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो दौड़ने में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, ठीक है, यहां से यहां दौड़ा 106, यहां से यहां दौड़ा 106, ये दौड़े और ये दौड़े, ये हम लोग का सीधा नहीं है अर्धवृत्ताकार है, तो अर्धवृत्त का परिमाप निकालेंगे हम लोग, दैट मीन्स डाटा ऊपर लिखेंगे किताब से देख करके, और एक चक्कर लगाने में तय दूरी 2 गुने लंबाई, इधर लंबाई इधर लंबाई 2 गुने लंबाई प्लस 2 गुने अर्थ वृत्त की परिधि, तो 2 गुने 106 प्लस 2 गुने 1/2 2 पाई आर, तो 2 से 2 खत्म करेगा 212 प्लस 2 पाई का वैल्यू 22 के साथ आर का वैल्यू उनका कितना होगा, अंदर में पूरा 60 था यानी डायमीटर बता रहा है, हाफ हो जाएगा 30, तो 212 प्लस 3 × 6 बटे 7 स्क्वायर, एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे चला आएगा, ये हम लोगों का निकल गया। अब एरिया की बात कह रहा है तो इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया में पहले ये लंबाई और इतना चौड़ाई, ये चौड़ाई कितना है 10, यानी क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 आयत का क्षेत्रफल प्लस वलय का क्षेत्रफल, वलय कहते किसको है, जब एक साथ दो सर्किल आता है तो उसकी जो बाहरी परिधि के बीच का क्षेत्र होता है उसको हम लोग वलय कहते हैं, और वलय बना कैसे, ये और ये एक पोर्शन हुआ, ये और ये एक पोर्शन हुआ, दोनों को जोड़ा तो बन गया वलय, अब यहां पे हो गया 2 गुने आयत, आयत कितना लंबाई गुने चौड़ाई प्लस वलय पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 2 गुने लंबाई 106 है और चौड़ाई कितना लेंगे, अंदर वाला पथ वाला चौड़ाई कितना था 10,
प्लस पाई का वैल्यू 42 था, आर का वैल्यू 40 माइनस 30। अब सवाल आया 40 कैसे, अंदर उधर रेडियस कितना था 30, यहां इस्तेमाल किया है और 10 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, स्क्वायर पे स्क्वायर दिया, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। यानी कि पथ का एक चक्कर लगाने में पथ में कितना डिस्टेंस तय किया वो भी आ जाएगा, और एरिया कैसे निकालते हैं फिगर देख के समझेंगे। ये एक आयत दो आयत का क्षेत्रफल प्लस आधा वाला पूरा वाला पूरा वाला पूरा वाला का क्षेत्रफल मेजरमेंट कैसे वैल्यू कर सकेंगे 106 10 यहां अंदर वाला 30 बाहर वाला 40 रेडियस और सवाल को सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसके दो व्यास खींचे गए हैं जिसमें एक व्यास से होते हुए छोटा सर्कल लिया गया है, इसलिए इसकी त्रिज्या 7/2 हो जाएगी और एक त्रिभुज खींचा गया है, त्रिभुज के साइड्स में जो पोर्शन बचा वो शेड कर दिया गया है, तो इस फिगर में पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो देख के फिगर समझ में आ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ये जो दोनों छोटे छोटे पोर्शन है क्या हो जाएगा, अर्थ वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त त्रिभुज बड़ा नहीं चलाएगा, छोटे वृत्त क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बाकायदे आप बताइएगा पाई मालूम है आर तो बता चुके, पूरा 7 था हाफ हो जाएगा 7/2, ठीक है तो पुट कर लेंगे हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये बड़ा बड़ा अर्धवृत्त है इसी इसमें रेडियस हम लोग 7 लेंगे और माइनस त्रिभुज क्षेत्रफल हाफ बेस इंटू हाइट, अब सब पुट करेंगे 22/7 7/2 × 7/2 प्लस 1/2 22/7 7×7 माइनस 1/2 बेस हो गया हम लोग 14 हाइट हो गया 7 बेस पूरा लेंगे 7×7 14 हाइट हो गया पूरा, ये इससे कट गया ये इससे कटा ये इससे कटा 11 ये इससे कटा 11 बार में ये इससे कटा और ये इससे कट गया 3.5 बार में ये हो गया 38.5 प्लस 11 × 77 माइनस 7×7 49 यानी कि अब 38.5 इन दोनों को घटा दीजिए दिया गया हम लोगों को 28 8×8 66.5 सेंटीमीटर हम लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दे रहा है, एरिया हमको मालूम है किसका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें शीर्ष को केंद्र मानकर 3 वृत्त खींचा गया है और तीनों ही वृत्त को खींचने के बाद जो पोर्शन बच गया उसका हमको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है तो हम लोग क्षेत्रफल बता देंगे, पहले इससे हमको भुजा निकालना पड़ेगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 साइन स्क्वायर √3/4 साइन स्क्वायर बराबर 17320.5 √3 का वैल्यू होता है 17320.5 यहां पॉइंट रहेगा बाय 4 साइन स्क्वायर बराबर 17320.5। अब दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो साइन को रोक लिया और 17320.5 इंटू 4 बाय 17320.5 यहां पॉइंट स्टार्ट आया 1 2 3 4 5 0 यहां पॉइंट हटाया 10 से जो खत्म प्लस पूरा खत्म, यानी हम लोग को यहां देखिए आप साइड बच गया, साइड कितना बचा, साइड बराबर रूट अंडर 200 इसलिए रेडियस कितना हो जाएगा त्रिज्या 100 कहां से प्रश्न से क्वेश्चन में लगाया था आधा होगा, जब रेडियस निकल गया तो आप तीनों
त्रिज्या का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे तीन त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर तीन गुने थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, तीन थीटा 60 होगा, त्रिभुज समबाहु है, 3.14 क्वेश्चन में कह चुका है पाई का मान 100 गुने 100 पॉइंट हटा 100 बाय दिया 100 खत्म, कई बार में 6 बार में, कई बार में 2 बार में 157 ये हो गया 2 ये हो गया 1 छायांकित भाग बराबर 1-2 छायांकित भाग घटा दीजिएगा आपको आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्गाकार रुमाल है जिसके अंदर 9 सर्कुलर डिजाइन है और सब एक दूसरे से टच है, दूर दूर नहीं सब टच है, ऐसे ऐसे टच है, ठीक है वो आप फिगर देखे किताब से बना लीजिएगा। ये हो गया वर्ग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चलिए हम भी जैसे जैसे बनाते हैं 9 है और सबका रेडियस 7 है, तो जो पोर्शन बचा हुआ है आप दिख रहा है इसको हम थोड़ा रंगने की कोशिश कर रहे हैं उसका एरिया बताना है, ठीक है तो वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 सर्किल घटा देंगे, 6 शेष बचे भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल 7 × π/r² 9 × π/7 इसका रेडियस 7 है, लिख दिया तो वर्ग की भुजा कितनी है, पहले वर्ग की भुजा निकालना पड़ेगा तो वर्ग की भुजा हो जाएगा हम लोगों को ये यहां से यहां 7 फिर 7 का ही व्यास लेंगे तो 7 × 7 = 6 बार आएगा तो भुजा हो जाएगा हम लोगों को 42 सेंटीमीटर और यहां लिखेंगे साइड स्क्वायर तो 14 42 का स्क्वायर 1764 माइनस 7 से 7 कट गया 963 गुने 22 126 6 8 3 1 1386 दोनों घटा देंगे आंसर आ जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हमको सर्किल का रेडियस दिया गया है तो उसका हमने भुजा कैसे निकाला, ये 7 फिर 7 फिर रेडियस 7 फिर 7 फिर 7 7 तो 7 × 7 = 14 क्योंकि जब रेडियस देखा तो व्यास हम लोग निकालेंगे वर्ग की भुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चतुर्थांश है और इसी के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो पोर्शन शेड है उसका एरिया बताना है, चतुर्थांश थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, त्रिभुज हाफ बेस इनटू हाइट वैल्यू गुड क्या चला आया थीटा 90 या तो आप इसके जगह पर 90 लिखिए या 1/4 लिखिए बात बराबर है तो यह भी आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि एक चतुर्थांश है और इसमें एक वर्ग है तो जब वर्ग काट के निकाल लिया तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो जो रीजन शेड है छाएंगे उसका भाग उसका क्षेत्रफल बताइए, फिर आप कहिएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब मामला यहां पर यह है कि अगर हम लोगों को रेडियस नहीं मालूम है तो डायगोनल निकाल देंगे रेडियस पता चल जाएगा, ये आपका 11 था ये 12 हुआ ये 13 ये तीनों डिस्कस हो गया, 3 क्वेश्चन और है वही बता देते हैं चैप्टर खत्म हो जाएगा। सवाल नंबर 14 जो है उसमें एक त्रिज्याखंड बनाया गया है
और उसके दो पोर्शन को, एक पोर्शन को कट कर दिया गया है और रंग दिया गया है, और रंगे वाले भाग यानी छाएंगे भाग का क्षेत्रफल बताना है। बड़ा वाला आपको ये दिख रहा है, छोटा वाला आपको साफ दिख रहा है, तो इसका क्षेत्रफल का त्रिज्या खंड है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्या भाई 360 पाई, और जैसे सेक्शन आ जाता है तो r² - r² बड़ा छोटा आपको मालूम है थीटा कितना है 30, पाई का वैल्यू 22/7, बड़ा r 21, छोटा r 7, 1/12 × 22/7 21 + 7 = 21 - 7 यानी कि 21 + 7 × 21 - 7 ये हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है a² - b² = a + b × a - b पर। अब 1/12 22 × 1 = 22 × 7 = 28 × 21 = 14। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब आया हम लोग का सवाल नंबर 15। इसमें कहा गया है कि ये चतुर्थांश है जिसके रेडियस 14 है, इसके दोनों ही पॉइंट को जब जोड़ दिया गया तो इस पर एक अर्धवृत्त खींचा गया, यानी ये बड़े वाले के लिए व्यास हो गया, और जब इसको निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है √2, दैट मीन 14√2 आ गया व्यास, रेडियस कितना हो जाएगा 7√2, हाफ कर देंगे। अब मामला ये रहा कि ये पोर्शन हम लोगों का रंगीन है, कलर्ड है, छायांकित है, तो इस बिना पे हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, और इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला या तरीका है वो है कि आप वृत्त के क्षेत्रफल में से, यानी कि अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये वाला पोर्शन घटा दीजिए, इसको माइनस करना है, माइनस तो ये है क्या, चतुर्थांश को पूरा होता है लेकिन चतुर्थांश में ट्रायंगल भी है, लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप लिखिएगा 1/2 πr² - 1/4 या थीटा वाले का संख्या लिखेगा तो πr² इसके आर उसके आर में फर्क होगा क्योंकि इसका हम लोगों का 7√2 है और इसका 14 है। माइनस हाफ बेस इनटू हाइट, यहां पर हम लोग चतुर्थांश में लेंगे रेडियस, यहां पर हम लोग 7√2 लेंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे, आंसर हम लोगों का आ जाएगा। ये आया, इसमें कह रहा है दो चतुर्थांश आपस में मिले हैं, एक इस तरीके का था और एक इस तरीके का था, इसको ऐसा बना लीजिए तब मिलाने में आपको आसानी होगा, तो मिलकर ये बन गया वर्ग और बीच में आ गया डिजाइन। तो डिजाइन पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, तो डिजाइन पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल दूसरे का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर दो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दिया लेकिन ये पोर्शन शामिल नहीं हो रहा, ये क्या है दोनों का वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल 2 × 1/4 πr² - sin² ये तो हम लोगों का 8 है, 8 का स्क्वायर 2 से 2 कट गया, 1/2 × 22/7 ये हम लोगों का 8 × 8 = 704/7 - 64 LCM 7 704 - 728 कैरी बचा दो तब ये 7 × 44 तो 704 में से 448 गया, एक कर दे इसको दे दिया 6, यो हम लोगों का 9 में से गया 5, यो गया 2, तो अगला आंसर
256 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप जैसे यहां सॉल्व कर लिया, आप भी यहां समझ गए हैं ये इस तरीके से सॉल्व होगा, इसको भी बता चुके हैं। तो आपका एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट, यानी आपका चैप्टर 12 पूरा हो गया। 1, 2, 3 जो सिलेबस के हिसाब से मौजूद था, इसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, जो नहीं समझ में आए उसको पूछिए ताकि उसको बताया जा सके, और रिविजन करते रहना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए यूनिट शुरू करेंगे। थैंक यू।